हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम जूलॉजी का पेपर पैटर्न के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, इन तीनों ईयर में तीन तीन पेपर होंगे। प्रत्येक ईयर में तीन पेपर होंगे, ठीक है, क्लियर है, तीन पेपर होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इनमें मार्क्स वगैरह की, किस तरीके से इनमें मार्क्स वगैरह होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं ये। इसमें जो तीन पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इनमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का होते हैं ये फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 36 होते हैं। इसमें 36 नंबर तो हमें लाने ही होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर, इसमें 36 नंबर तो लाने ही होंगे पास होने के लिए, क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, वो 3 घंटे के होते हैं, ठीक है। इनका ड्यूरेशन, टाइमिंग पीरियड 3 घंटे का होता है और ये 33-33 नंबर के होते हैं फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। जो पेपर थर्ड होता है वो भी 3 घंटे का ही होता है और 34 नंबर का होता है, क्लियर है। तो 33-33 प्लस 34 कितने हो गए, 100, तो 100 मार्क्स का हो गया ना। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वाला भाग होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, उसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें, क्लियर है। उसके बाद में जो सेकंड वाला पार्ट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आते हैं, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, उसमें 9 क्वेश्चंस आएंगे, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा ना, उसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, उसमें छोटे क्वेश्चंस कितने आएंगे, 9 क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट और सेकंड में। जो पेपर थर्ड है उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर छोटे वाले, ईच ऑफ 1 मार्क्स। ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और इसमें 25 वर्ड के अंदर हमें आंसर देना ही होगा, कंपल्सरी अटेम्प्ट। यानी कि ये क्या होता है, कंपल्सरी होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना ही होता है हमें। उसके बाद में हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आता है इसमें, और इसमें से हमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैविंग 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन में होंगे ये, क्लियर है। 3 विल बी टोटल 9 क्वेश्चंस इन दिस पार्ट, 3 फ्रॉम ईच यूनिट सेक्शंस, आउट ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, यानी कि 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होंगे इसमें से। सेलेक्टिंग ऑफ 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट सेक्शंस, ईच ऑफ क्वेश्चंस विल बी कैरी 6 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चंस, 4 × 6 चॉइस, प्लस इसमें जो 9 क्वेश्चंस है तो 9 नंबर के हो गए, या फिर 10 नंबर का है, तो इस तरीके से 33 33 प्लस 34, तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का। तो इसमें से 4 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे सेकंड वाले पार्ट में से, ठीक है। तो ये था बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, उसका जो पैटर्न था वो मैंने समझा दिया, क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है वो कमेंट कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद में जैसे भी हमने डिस्कस कर लिया बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का ये पेपर पैटर्न, अब यूनिट वाइज अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के जो जूलॉजी का सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यूनिट टू यूनिट जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में
हमारे वीडियोज आते रहेंगे इस पे। तो अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में, तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। और जो हमारा यूनिट टू यूनिट ये और जो सिलेबस वगैरह है वो चलता रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और यूनिट टू यूनिट हम वीडियोज डालते रहेंगे। सो थैंक यू।